नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूट गया है। दरअसल बीजेपी ने अब पीडीपी से अलग होने का फैसला कर लिया है। और इस खबर की पुष्टि करते हुए बीजेपी ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार उनके जो इरादे थे उस पर खरी नहीं उतरी है। साथ ही आपको बता दें, आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पीडीपी के नेताओं की एक बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि बीजेपी अब पीडीपी से अलग हो गई है। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव आने वाला है और उससे पहले ये एक बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया है। और इस फैसले के बाद बीजेपी के महासचिव राम माधव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा कि ये फैसला सबकी सहमति से लिया गया है। साथ ही अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति से यह फैसला लिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार बीजेपी के इरादों पर खड़ी नहीं उतरी। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं हो रही थी, साथ ही उन्होंने रमजान में जो सीज फायर का बंद करने का फैसला था उसकी भी बात की। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार की मर्जी से नहीं लिया था, यह फैसला गृह मंत्रालय का था। वही बीजेपी ने इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन की मांग की है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगर जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन आ जाता है तो वहां के हालात जरूर सुधरेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले ये बीजेपी का एक बड़ा फैसला। और देख खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।